खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां पर 22 सितंबर 2022 को मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर श्री गौतम सिंह एवं मंदसौर SDM BRE सिंह के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग मंदसौर द्वारा ग्राम खिचलीपुरा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ग्राम खिचलीपुर में 30-30 फीट शासकीय भूमि पर मुमताज पति आजाद द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, जिसमें 2 मंजिला भवन का निर्माण भी कर लिया गया था, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर विधिवत जांच की गई। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। अतिक्रमण करने वाले पर 5,000 का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है और आज JCB चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया गया। भवन में निजी संस्था द्वारा किराए पर लेकर स्कूल का संचालन भी किया जा रहा था, जिससे अतिक्रमणकर्ताओं को हजारों रुपए की आमदनी अतिक्रमण से ही प्राप्त हो रही थी। कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी श्री बिहारी सिंह, तहसीलदार मुकेश सोनी, CSP, थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार, राजस्व अमला, पुलिस बल की उपस्थिति में उक्त कार्रवाई की गई। जी, मेरा नाम अजहर है, मेरी मम्मी का घर था, मेरी मम्मी के नाम पे। कल हमारी तारीख थी, तारीख हम कोर्ट में थे और हमारे घर पे आर्डर भेज दिए गए, नोटिस भेज दिया गया तोड़ने का। सुबह 7:30 बजे SDM साहब ने, तहसीलदार जी ने आके कार्रवाई की और तोड़ दिया गया। हमें मोहल्लत भी नहीं दी, ना सामान निकालने दिया, ना कुछ भी नहीं, सारा सामान अंदर दब जी, सारा सामान हाथों हाथ कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई करेंगे अब हमारे हिसाब से देखेंगे। कोर्ट में स्टे भी लिया हमने, स्टे सरकार ने नोटिस भी, सुबह आदेश तब आया, उन्होंने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया, पर्सनल लेके पूरा तोड़ दिया गया है। नाम मोहम्मद जाफर, ये घर को SDM साहब ने पर्सनली लेके घर को नुकसान पहुँचाया गया। हमारे पास पट्टा है 1994-95 का और 1999 का अनुमति है, 23 साल से यहाँ निवास है और यहाँ पे हमने सारा कोर्ट में कोशिश करी, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं गया। SDM साहब खुद ही लेके और कल रात को उन्होंने आदेश दिया कि कल सुबह मकान तोड़ेंगे। 24 घंटे के भीतर भीतर उन्होंने मकान तोड़ दिया। हमने बहुत सारी कोशिश करी, आपने वो कागज़, वो कह रहे हैं कि कागज़ नहीं हमारे पास, डॉक्यूमेंट नहीं हमारे पास, सभी डॉक्यूमेंट कम्प्लीट है। पटवारी ने 50 लाख रुपये और हमने बात करी तो पटवारी साहब के थ्रू SDM साहब ने 50 लाख रुपये मांगे। अब उसका हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, बाकी ये मकान मेरी बहन का है, अनुमति पट्टा वगैरह 23 साल से हम निवास कर रहे थे। गवर्नमेंट घर बनाने के लिए देती है, यहाँ पर घर उजाड़ा गया है। कितने परिवार के सदस्य आप यहाँ रहते हैं? छः सदस्य हैं घर में जो यहाँ रहते थे और वो हमाली करते हैं, मजदूरी करते हैं और मकान बना। और कोई ऐसी क्या दुश्मनी हुई आपकी उनको? अब वो तो वही जाने के क्या दुश्मनी हुई, क्या प्रश्न, कोई एक भी केस नहीं उनके खिलाफ, एक भी। कैसे क्या सुना? बस मोहलत भी नहीं, मोहलत नहीं दी, समय नहीं दी, क्या पता क्या करा उन्होंने, पर्सनली लिया, झूठ बोला गया वो मीडिया पे, झूठ वो यहाँ पे जो भी बाइट दी उन्होंने, वो एक ही बाइट दी उन्होंने कि यहाँ पे स्कूल संचालित हो रहा था और इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास सारे ही डॉक्यूमेंट, कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है आके। इसके लिए हम सोच रहे हैं कोर्ट में जो भी हमसे हो सकेगा वो कोशिश करेंगे। हम कंपटीशन के लिए कल हमारी तारीख थी, आज हमारे ऊपर कर तोड़ दिया गया। ये मकान बिल्कुल वैध था, सामने वाले के पास पूरे कागज कंप्लीट थे, अनुमति थी, पट्टा थे। 95 में कलेक्टर साहब ने जमीन को अलाट करी थी और 2006 में निरस्त करी। सामने वाले ने मकान बनाए 99 में, उसके पास अनुमति थी, पट्टे थे, उसके बाद भी ये मकान एक जबरदस्ती के कारण तोड़ा गया। क्या कहें, क्या मतलब, ये आपसी रंजिश है क्या? बस ऐसे ही लग रहा है कि आपसी रंजिश निकाल रहा है प्रशासन। तो इनके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई भी किसी के ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, सामने वाले के ऊपर। गरीब मजदूर लोग हैं, हम माली करते हैं दलदा मंडी में। क्या लगता है आपको क्या कारण हुआ? एक राजनीतिक के तहत ये सब चीज़ हुई है और एक जबरदस्ती, जैसे प्रशासन एक जाति दुश्मनी निकाल रहा है, उस हिसाब से इस मकान को तोड़ा गया। परिवार भी यहीं रहते थे? हाँ, परिवार नहीं रहता है। प्रशासन का कहना स्कूल चल रहा था? प्रशासन का कहना स्कूल चल रहा था, तो स्कूल प्रशासन का साबित कर दे स्कूल चल रहा था तो। मंदसौर से कैमरा पर्सन यश लोहार के साथ अंकित सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।